हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट में। एक बार फिर से एक नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रीट 2018 लेवल फर्स्ट से जुड़ी है बड़ी अपडेट। 13 अप्रैल से पहले जारी होगी रीट 2018 लेवल फर्स्ट वेटिंग लिस्ट और रीसफल। बिग ब्रेकिंग न्यूज, पूरी ऑफिशियल न्यूज की बिंदुवार जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी और इस अपडेट से जुड़ी हुई आज की अन्य भी कई अपडेटों की जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आप दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिएगा और ले चलते हैं आपको अब सीधे अपडेट की ओर और मुखातिब करवाते हैं आज की इस बड़ी अपडेट से आपको। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के पास में जो बेल आइकन है, घंटा का निशान, इसे जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको आने वाले इसी प्रकार के नए नए वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन सबसे पहले सीधे आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में पहुँचते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे आपको ले चलते हैं सीधा अपडेट की ओर और मुखातिब करवाते हैं आज की इस बड़ी और लेटेस्ट अपडेट से। हाँ तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रीट लेवल प्रथम में 6437 खाली पदों पर वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय मंडलवार पदों की सूचना एकत्रित कर रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सीकर के संवाददाता ने यहाँ पर ये न्यूज प्रकाशित की है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती रीट लेवल प्रथम 2018 में 24,685 पदों पर भर्ती निकाली थी, इसमें 6,437 पद खाली रह गए थे। वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों से 4 अप्रैल तक आवेदन मांगे गए हैं, इसके बाद इनकी काउंसलिंग होगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर इसके लिए डाटा एकत्रित कर रहा है। रिक्त रही इन सीटों को भरने के लिए एक बार फिर से चयन रिसफल कर आरक्षित सूची जारी की जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थियों की मेरिट के हिसाब से जिले आवंटित किए जाएंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम में चयनित अभ्यर्थियों को फरवरी 2019 में ही नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। राज्य स्तर पर कुल 24,685 पदों में से 18,248 अभ्यर्थियों ने कार्य ग्रहण किया था। निदेशालय ने अब रिक्त रहे पदों पर मंडलवार सूचना मांगी है। रीट लेवल प्रथम में खाली रहने के चलते नए अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा। पद खाली रहने के चलते मेरिट नीचे आएगी, इससे करीब 6,000 अभ्यर्थियों को फायदा होगा। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती रीट लेवल सेकंड के अभ्यर्थियों को अब नियुक्तियां मिलना शुरू हो जाएंगी। निर्वाचन आयोग नई दिल्ली ने अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देने की अनुमति दे दी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार इस न्यूज़ में यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों से 4 अप्रैल तक आवेदन मांगे गए हैं, तो दोस्तों अभी ऐसी कोई वैधानिक इस सूचना की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि ये सूचना एक वायरल हो रही थी तो आप सभी को अवगत कराने के लिए यहाँ पर वीडियो बनाया जा रहा है। कोई भी ये नहीं सोचे कि यहाँ पर ये फेक न्यूज़ डाली गई है। दोस्तों, हमारा फर्ज है कि कोई भी न्यूज़ आती है या कोई भी सूचना रीट भर्ती या अन्य किसी भी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कोई भी न्यूज़ आती है तो उसको आप सभी को अवगत कराया जाए, जिससे कि समय रहते आप सभी उससे अतिशीघ्र अवगत होते हुए लाभान्वित हो सके। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हालांकि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के यहाँ से अभी कोई वैधानिक पुष्टि इस प्रकार की न्यूज़ की नहीं हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं चूँकि अखबार में यहाँ पर कहा गया है न्यूज़पेपर में कि इसमें 6437 पद खाली रह गए थे, वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों से 4 अप्रैल तक आवेदन मांगे गए हैं, इसके बाद इनकी काउंसलिंग होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जिस प्रकार ये दो लाइन लिखी गई हैं आप देख सकते हैं, आप एक बार जरूर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में संपर्क कीजिएगा, उनके दूरभाष क्रमांक से संपर्क कीजिएगा, उनकी ईमेल एड्रेस से संपर्क कीजिएगा और अगर व्यक्ति से आप उपस्थित होकर के वहाँ संपर्क कर सकते हैं तो वह पूछेगा और इस पूरी सूचना की जाँच कीजिएगा कि क्या ये वैधानिक है। दोस्तों, जैसा कि ये अन्य ग्रुपों में भी वायरल हो रही थी तो सोचा कि आप सभी प्रतिभागियों को इसको बता दिया जाए, जिससे कि आप समय रहते हुए इस प्रकार की सूचना से मुखातिब हो सके और समय रहते हुए यदि ये सूचना मान लीजिए कि वैधानिक है और इसकी वैधानिकता की पुष्टि पूर्व में ही हो चुकी है और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने आवेदन का ऐसा कोई कार्यक्रम अब आज या कल में जारी करने के बारे में कोई योजना बनाई है तो दोस्तों उससे आपको पहले ही मुखातिब हो जाए। और यदि ऐसा कुछ नहीं है तो दोस्तों आप इस सूचना के आधार पर आगे अपनी
नई अपडेट के लिए इंतजार कीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो न्यूज़ में 4 अप्रैल तक आवेदन मांगे गए हैं, ये लाइन है, शायद हो सकता है ये त्रुटिवश यहाँ पर संवाददाता ने प्रकाशित कर दी हो। उन्होंने यहाँ पर लिखना ये चाह रहे हो कि 4 अप्रैल तक बीकानेर शिक्षा निदेशालय प्रारंभिक जो है उसने प्रत्येक जिलावाइज यहाँ पर वेटिंग रहे जो खाली रहे पदों पर उनका विवरण मांगा है और कितने किस जिले में पद खाली हैं इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के उनका विवरण मांगा है, तो वो 4 अप्रैल तक आवेदन वहाँ पर सूचना मांगी है, तो ये लिखना चाह रहे होंगे या गलती से यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रुटिवश भी ये लिखा गया हो सकता है। तो दोस्तों जो भी है आप इस न्यूज़ की वैधानिकता की पड़ताल करके और जल्द से जल्द यदि ये सही है तो आप आवेदन कर दीजिएगा और यदि ये गलत है तो दोस्तों इंतजार कीजिए, जल्द से जल्द जैसा भी और कोई नई अपडेट आपके लिए आएगी तो आप सभी को जल्द से जल्द इस YouTube चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट पर सबसे पहले सूचित करा दिया जाएगा। हाँ तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक और अपडेट को, मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर रीट लेवल प्रथम में प्रतीक्षा सूची जारी कराने की मांग। ले चलते हैं आपको सीधा न्यूज की ओर। भरतपुर से आप देख सकते हैं न्यूज प्रकाशित हुई है, उपमुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते छात्र। भरतपुर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने उपमुख्यमंत्री को पत्र भेजकर रीट लेवल प्रथम में पुनः सफल व प्रतीक्षा सूची जारी कराने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि रीट द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2018 में आयोजित की गई थी, इसमें दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित अपात्र अभ्यर्थियों के कारण करीब 8000 पद रिक्त रह गए। इन अभ्यर्थियों के कारण भर्ती की कट ऑफ में हजारों अभ्यर्थी समान अंक के बावजूद जन्मतिथि व एक दो अंक कम होने के कारण चयन से रह गए, ऐसे में इन पदों पर रिसफल एवं वेटिंग जारी की जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रतिनिधिमंडल प्रत्येक जिला स्तर पर अपने नई नई कार्रवाई कर रहा है और आप देख सकते हैं दोस्तों एक दिन दूर नहीं जब जल्दी आपकी वेटिंग लिस्ट और प्रतीक्षा सूची मतलब कि आपकी जो रिसफल की सूची है वो जल्दी जारी हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आपको ले चलते हैं एक और अन्य अपडेट की ओर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक अन्य और अपडेट आई है, रीट प्रथम लेवल की प्रतीक्षा सूची जारी कराने की मांग बयाना भरतपुर से। आप देख सकते हैं दोस्तों राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ से जुड़े बेरोजगारों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कांग्रेस अध्यक्ष शेर सिंह सुपा को ज्ञापन सौंपकर रीट प्रथम लेवल का रिसफल और वेटिंग लिस्ट प्रतीक्षा सूची जारी कराने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा 1 जून 2018 को कट ऑफ जारी की गई, उसके बाद 2 जून को चयन सूची जारी की गई, इसके बाद दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित अपात्र अभ्यर्थियों के कारण 8000 पद रिक्त रह गए। इन अभ्यर्थियों के कारण बड़ी संख्या में युवा चयन से वंचित रह गए हैं। खाली रह गए पदों को भरने के लिए रीट प्रथम लेवल का रिसफल और वेटिंग लिस्ट जारी करने से विभाग को योग्य अभ्यर्थी मिल जाएंगे और बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा। ज्ञापन देने के दौरान ये आप देख सकते हैं ये प्रतिभागियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं जो प्रतिनिधिमंडल बेरोजगार एकीकृत महासंघ का यहाँ पर गया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रतिनिधिमंडल हैं जो विभिन्न जिला स्तर की जिला इकाई हैं वो अपने अपने स्तर पर निजी प्रयास कर रहे हैं और दोस्तों आप भी अपने जिला स्तर पर जाकर के और अपने निजी विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर भी जाके प्रयास कीजिए और अपने विधायक महोदय को मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दीजिए जिससे कि जल्द से जल्द सरकार के ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञापन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के ऊपर दबाव बने और सरकार इस क्षेत्र में इस समस्या की ओर ध्यान देते हुए बेरोजगारों के हित में एक नया और अच्छा फैसला ले सके और जो बेरोजगार भाई बहन हैं इस भर्ती प्रक्रिया से पीड़ित हैं वो उनको जल्दी कोई नई खुशखबरी मिल सके और वो चयनित हो सकें, उन्हें रोजगार मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो और अपडेट पसंद आया तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों इसी के पास में जो बेल आइकन है इसे जरूर दबा लीजिएगा जिससे कि आपको आने वाली इसी प्रकार की नई नई लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार में पहुँच कर मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाए। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका ये छोटा सा प्रयास हमें बेहतर से और बेहतरीन करने के लिए प्रेरित करेगा और हमारे मनोबल में हजारों गुना वृद्धि करेगा। तो धन्यवाद साथियों, यदि आपको ये वीडियो अपडेट पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागियों तक यह अपडेट पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागी इस अपडेट से मुखातिब होते हुए लाभान्वित हो सकें और इस प्रकार की अपडेट को पा सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, एक नई वीडियो नई अपडेट और नई ऊर्जा के साथ फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।